दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गैस गॉस ला। तो ज़्यादा चर्चा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर करेंगे और गॉस ला पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 13 और मैं आपके सामने रमेश जैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के पहले मैं आपको छोटी सी एक बात पिछली वाली जो है वो रिवाइंड करवा दूं कि हमने ये देखे थे कि सपोज करो कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उससे चारों ओर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती है, ठीक है। ये फील्ड लाइनें निकलती है और ये जो फील्ड लाइनें जितनी ज़्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, यानी फील्ड उतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। आज हम पहले एक नए टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है एरिया। एरिया क्या नया है? एरिया तो आप सभी जानते हैं कि किसी रेक्टेंगुलर यानी किसी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है। अब आप बताओ किसी छोटे से बच्चे से क्लास फिफ्थ से ही पूछेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इन टू बी, ठीक है। यदि पूछेंगे एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है तो वो जल्दी से बता देगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये सब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये इनका एरिया हम किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल जो भी। लेकिन एरिया जो है एक्चुअल में एक नंबर निकलता है, ये एरिया एक्चुअल में एक क्या है, नंबर है, ठीक है। तो हमें अभी तक ये पता था कि ये एक नंबर है और नंबर एक कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर यानी अदिश राशि होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो एरिया होता है, एक्चुअल में जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे? मान लेते हैं कि यहां पर सपोज करो कि हम यहां पर एक इस तरह से ड्रा करते हैं। देखो यहां पर तीन एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन बनाया, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया ए, हो गया ये बी, हो गया ये सी, हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है और ये एक स्क्वायर है और इसकी साइडें हैं ए, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्चुअल में जो एरिया होता है वो दो साइडों का प्रोडक्ट होता है। तो मान लेते हैं इसकी एक साइड हो जाएगी ए बी और दूसरी साइड हो जाएगी बी सी। तो इसका जो एरिया होगा, अब ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, तो ए इंटू ए क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट ए और इनके बीच का एंगल यानी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि दोनों जो चारों साइड है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू ए साइन 90, और साइन 90 कितना होता है फ्रेंड्स, 1, तो यानी a स्क्वायर इंटू 1 यानी क्या निकल जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार हमने ये देखे कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी यदि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आप बताओ, तो ये जिस प्लेन पर आपका एरिया है, जिस प्लेन पर ये आपका एरिया है उसके या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड नीचे की ओर होगी, यानी या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, यानी ये आपकी एक्स एक्सेस है और यदि ये वाई एक्सेस है तो आपकी जेड एक्सेस में इसकी डायरेक्शन होगी। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं या तो प्लस के लिख सकते हैं या ए स्क्वायर माइनस के लिख सकते हैं, ठीक है। जेड एक्सेस यानी के, ठीक है, एक्स एक्सेस यानी कितना होता है आई लिखते हैं, वाई एक्सेस को क्या लिखते हैं जे लिखते हैं, और जेड एक्सेस को क्या लिखते हैं के लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी दोनों डायरेक्शन हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हमेशा जो एरिया होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसमें प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर
टू द सरफेस, सरफेस अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग को करना है। ये एक्स है, ये आपका जेड है और ये आपका वाई है, ठीक है। अब आपको ये एक एरिया दिया गया है, अब आपको पता लगाना है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। और इसकी जो साइड है ए, तो अब क्या होगा, देखो ये एक्स और वाई में आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एरिया है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू होगा यहाँ पर ए इंटू ए और साथ में साइन 90 स्क्वायर, इसलिए। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखो वाई है, क्योंकि एक्स और वाई में तो ये एक्स और जेड में तो ये प्लेन है, ठीक है, ये वाला है तो प्लेन है, तो वाई एक्सेस में होगी, तो यानी या होगी या तो प्लस जे होगी या माइनस जे होगी, यानी हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन 91 हो जाएगा, यानी माइनस जे कैप या प्लस जे कैप, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस जे कैप, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सपोज करो कि ये आपको सर्किल दिया गया है, ठीक है, और ये आपकी सरफेस है और ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, ये ऊपर एक्स है। चलिए अब आपको इस सर्किल का एरिया बताना है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ पर सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, सर्किल एरिया बराबर से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये एक्स और जेड में है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में है, तो या तो होगा आपका माइनस आई या आपका होगा प्लस आई, ठीक है, आई कैप ये होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब ये जो है आपके, आपको इतना बता दें, ये जो हम बात कर रहे थे अभी, ये 2D सरफेस है, ये सब क्या है, 2D सरफेस। 2D सरफेस को ओपन एरिया कहा जाता है या ओपन सरफेस कहा जाता है, 2D सरफेस को ओपन सरफेस कहा जाता है। ओपन सरफेस में हमेशा दो डायरेक्शन होती है, ओपन सरफेस में हमेशा दो डायरेक्शन होती है, या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है। ओपन सरफेस में हमेशा कितनी डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है, बस याद रखें। लेकिन लेकिन वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एरिया वेक्टर ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। चलिए अब अपन लेकिन बात करते हैं 3D में, जो 3D सरफेस है इसको हम लोग एक्चुअल में क्लोज सरफेस कहते हैं, इसको हम लोग हमेशा क्लोज सरफेस कहते हैं, 3D सरफेस को क्लोज सरफेस कहते हैं। और क्लोज सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, देखो जैसे ये एक पूरा क्यूब है, तो ये क्यूब है और यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर जो है ये ऊपर वाली एक सरफेस ले लें, तो अब इसकी जो डायरेक्शन लेंगे वो हम हमेशा कहाँ लेंगे, अपवर्ड केवल बाहर की ओर लेंगे, अपवर्ड यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही इसकी डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स। सपोज करो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ये वाला सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये नीचे वाला सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आपसे पूछा जाता है, तो अपवर्ड यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सपोज करो ये साइड वाला यदि आपका एरिया लिया जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी, जो भी होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी, ठीक है। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो कोई मेरे पास सपोज करो ये एक कोई क्या है, कोई स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर कहाँ होगी, वो अपवर्ड, यानी हमेशा इसमें तो 90 डिग्री पर ही निकलेगी पूरी, लेकिन अंदर की ओर नहीं होगी, इसकी दो डायरेक्शन नहीं होती, एक ही होती, नीचे वाले डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन 3D सरफेस द
वेक्टर्स इज कंसीडर्ड इज कंसीडर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड ओनली, ठीक है, यानी यहां पर एरिया जो वेक्टर है इन थ्री डी सर्फेस एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड ओनली, केवल बाहर की ओर ही इसे काउंटर किया जाता है, ठीक है। सपोज करो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है इसकी क्या होगी आउटवर्ड बाहर की ओर होगी, इसमें क्या होगी आउटवर्ड बाहर की ओर होगी, और इसमें भी परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, इस तरफ भी होगी तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, ठीक हो गया। चलो फ्रेंड्स अपन एक नई टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, वो है फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ फील्ड लाइनें बना रहा हूँ, ठीक है, और ये फील्ड लाइनें हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो ये कुछ फील्ड लाइनें हैं और यहाँ पर मैं एक सरफेस बनाता हूँ, सपोज करो कि ये, चले देखें ये एक सरफेस है, यहाँ पर इस चार में से कितनी फील्ड लाइन है इस सरफेस से होकर गुजर रही है, रेक्टेंगल से होकर गुजर रही है, परपेंडिकुलर वो भी दो। तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जिसको हम लोग शो करते हैं फाई ऑफ ई से, और जिसकी वैल्यू निकलती है नंबर ऑफ फील्ड लाइन के बराबर, ठीक है। मतलब डेफिनेशन क्या हुई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, परपेंडिकुलर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन है जो कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती है, बस परपेंडिकुलर पास होती है, ये मेन है, ध्यान देना। अब जैसे देखो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर दोबारा एक और ये फील्ड लाइन है मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है ये मैंने बड़ा रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। तो ये बड़ा रेक्टेंगल ले लिया तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर आपका फील्ड लाइन है कितनी गुजर गई इसमें से, पाँच, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल गया, पाँच, ठीक है, वन थिंग। अच्छा यदि मान लेते हैं कि एरिया इतना ही बड़ा होता, सपोज करो ये एरिया मैंने इतना ही बड़ा लिया, ठीक, जितना ये पहले वाला लिया, लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर फील्ड लाइनें मैंने वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। तो यदि यहाँ पर फील्ड लाइन अपन कमज़ोर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइनें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एरिया उतना ही बराबर है। तो यहाँ पर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा, तो क्या होगा उसी सरफेस से ज़्यादा फील्ड लाइनें गुजर जाएगी, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि उसी सरफेस से बहुत कम फील्ड लाइनें गुजरेगी, मतलब इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा और इसका फ्लक्स कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दिख रहा है आपको, यहाँ एरिया बराबर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी फाई ऑफ ई प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पर डिपेंड कर रहा है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने क्या लिए थे, यहाँ देखो यहाँ छोटा एरिया लिए थे, यहाँ बड़ा एरिया लिए, तो यहाँ पर कम ज़्यादा संख्या हो गई। मतलब ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई डिपेंड टू ई एंड ए, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, ई इंटू ए पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फाई ऑफ ई बराबर से ई इंटू ए,
ठीक है। अब चूंकि ये तो क्या है, एक संख्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी एक नंबर है, तो नंबर कभी भी क्या वेक्टर क्वांटिटी तो हो नहीं सकता। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितनी फील्ड लाइनें गुजरती है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि यदि मान लेते हैं कि ये इसका फॉर्मूला E इंटू ए, हम डेफिनेशन बोल रहे हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर, तो यदि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर एक सरफेस बनाया, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो क्या लगता है कि अब यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फ्लक्स कितना होगा, तो इस बार इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है किस पर डिपेंड करेगा। अब देखो जैसे ये ई है और ये आपका एरिया वेक्टर है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो इस वेक्टर आपका ई है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका यानी परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर ए के लिए कौन सा कंपोनेंट होगा। जैसे ये वाला ई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ई कॉस थीटा नहीं होगा, और इसी के टच में उसी सरफेस में कितना होगा, आपका ई साइन थीटा होगा। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ फ्रेंड्स, वंस अगेन फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हम लाइने, हम डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर नहीं गुजर रहा, तो क्या होगा, इस ई का ये थीटा एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर से, तो इसका इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप बताओ जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो ये कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, ई कॉस थीटा, और एरिया क्या है, ए है, तो यहाँ पर जो फाई ऑफ ई का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए, ठीक है, यानी ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ये इसका क्या बनेगा। अब ई ए कॉस थीटा मतलब, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है कि आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पर्टिकुलर एंगल पर यदि बना रही है एरिया वेक्टर से, तो आपको वो वाला फैक्टर लेना है जो किसके अलोंग हो, जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइन बस बोल सकते हैं, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज टेकन अलोंग द एरिया वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर के अलोंग जितनी भी लाइनें होगी उसको ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये सरफेस है और यदि यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है, तो इस ई का और यहाँ पर एंगल यदि थीटा बन रहा है, तो आपको यहाँ पर ई कॉस थीटा ही लेना है जो एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग आता है ना, उसके अलोंग आता है। ये वाला फैक्टर नहीं लेना ई साइन थीटा, ई साइन थीटा तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वैसे भी देखो ना, इसका मतलब क्या है कि ये तो सरफेस से टच करके जा रही है, उससे होकर नहीं जा रही, हमें तो वो लेना है जो एरिया को काटते हुए जाए, ठीक है, तभी तो फोर्स बनेगा। एक बात समझ लो ना आप, यदि मान लो कि यहां पर सीधे हम ऐसा धक्का देंगे तभी तो यहां पर फोर्स बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्या फ्रेंड्स, है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, फाई ऑफ ई बराबर से होता है ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। अब चूंकि देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक नंबर है, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे आपको वैसे भी पता होगा कि ए बी कॉस थीटा,
को हम लोग क्या लिख सकते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी लिख सकते थे। मतलब यदि हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो फाई ऑफ ई बराबर से वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ तो ये क्या निकल रहा है, स्केलर, ठीक है। ये कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बताना फ्रेंड्स, है ना, आई जे के वगैरह नहीं बताना, इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा चलो, अब इसकी यूनिट जल्दी से क्लियर कर दो। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। देखो ये तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, और एस की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अच्छा इसका डायमेंशन फार्मूला बता दो, डायमेंशन फार्मूला। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, आपका फोर्स क्या क्या होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू का एटी हो जाएगा, और यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा किसका, एरिया का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम एल की पावर थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, ये बन जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। चल अब यहाँ पर आपको मैं एक ड्रा करके बताता हूँ, अब आपको इसका बताना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। देखो यहाँ पर इसकी साइड ए है ना, ठीक है, चारों स्क्वायर ही मान लो आप, तो ए है इसकी साइड, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप लोग को क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर E इंटू एरिया, ठीक है, और साथ में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही होगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये एरिया के है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, जीरो होगा, और एरिया कितना होगा, यहाँ पर ए इंटू ए होगा, ठीक है। तो फाई ऑफ ई बराबर से हो जाएगा ई इंटू ए स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम, ठीक है। मान लेते हैं कि एक दूसरा आपको दिया जा रहा है इस तरह से, और यहां से ये सपोज कर रही ये लाइनें हैं, ठीक है, और ये लाइनें बना रही है इससे 30 डिग्री का एंगल। चलिए तो अब आप बताइए क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ऑफ ई बराबर से देखो इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही होगा, है ना, और ये ई की डायरेक्शन है और ये ए की डायरेक्शन है, तो क्या होगा। अब आपको तो ऐसा लगता होगा कि ई 30 लिख दे, लेकिन एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लिया जाता है, वो कितना होगा, 60 होगा, तो ये हो जाएगा ई, और यदि इसकी साइड ए है तो ई ए स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस 30 नहीं 60 चलिए तो फाइव ऑफ ई बराबर से कितना आ जाएगा, ई ए स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, यानी ई ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाया जाता है। इतना जरूर याद रखना फ्रेंड्स कि थीटा हमेशा, थीटा यानी एक एंगल है, एंगल थीटा इज ऑलवेज बिटवीन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच का ही ये एंगल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। चलो फ्रेंड्स अब आपको एक आपको स्क्वायर दिया, मतलब एक क्यूब दिया जा रहा है, और इस क्यूब का आपको क्या बताना है, आपको कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर एक ये तीन एक्सेस आपको दी गई है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, और ये आपका जेड एक्सेस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सभी की साइडें इसकी ए दी गई है, और ये एक्स एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक्स एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और इसकी वैल्यू है आपकी ई बराबर से ई नॉट,
ठीक है, तो आपको इसका टोटल फ्लक्स बताना है कितना आएगा पूरी बॉडी का। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि ये वाला, ये सरफेस देखो आप, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर अपोजिट होगा। ठीक है, फील्ड यहाँ जा रहा है, अपोजिट यहाँ जा रहा है, तो इसका फाई वन कितना निकलेगा, तो फाई वन कितना निकलेगा, ई इन टू ए, और साथ में कॉस कितना आ जाएगा 180। कॉस 180 कितना होता है, माइनस वन होता है, और ए का एरिया कितना जाएगा, ए स्क्वायर, अरे ए बराबर कितना जाएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, माइनस वन होता है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई ए माइनस वन। ठीक है, चलिए अब इसका मान लो कि अब आप दूसरा एरिया ये वाला निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइव टू बराबर से ई ए कॉस, अब देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी वही है, और इसका यहाँ पे ई नॉट लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो यानी ई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं कि आप ये बाकी चारों का निकालोगे, तो यदि ये इस तरफ आ रही, ये वाली अपने को एरिया निकालना है, तो ये तो बाहर होगा, तो ये दोनों देखो फील्ड जा रहा है ऐसे, और ये तो इस तरफ है, तो ये 90 डिग्री का होगा एंगल, तो ये क्या होगा, देखो फाई ऑफ थ्री बराबर से ई इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मतलब चारों सरफेस का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि आपको टोटल फ्लक्स निकालना था, तो टोटल फ्लक्स निकालना था, चार तो जीरो ही हो गए, दो ही बचे थे, तो एक का था आपका ई ए स्क्वायर और दूसरे का था माइनस ई ए स्क्वायर, ये भी कट गया, कितना आ गया, जीरो। तो ऐसा बोला जाता है, यानी यार टोटल लिख दूँ, बोला जाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, यदि ठीक है, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, समझ गए। एक और देखते हैं ऐसे ही, ये इस तरह से यहाँ पर है, लेकिन इस बार जो क्यूब बना है वो यहाँ पर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर, और वही केस वही है कि इसमें सभी की साइडें कितनी दी गई है, ए दी गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही डायरेक्शन दी गई, ई बराबर से ई नॉट, लेकिन यहाँ पर इस बार एक्स भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, a दी गई है। ठीक है, a x बराबर से कितना है, a, तो क्या होगा, अब वो ये पहली फील्ड है, इस तरफ हम पीछे जा रहे हैं, फील्ड आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, एरिया वेक्टर पीछे की ओर है ना, तो ये क्या होगा, फाई वन इक्वल टू कितना जाएगा e इंटू ए, और कॉस कितना जाएगा 180, यानी ई ए माइनस वन। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर हम बात करते ये वाली सरफेस की, ये दूसरा वाला, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ई की वैल्यू एक्स पे भी डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की जगह यहाँ पर लिखेंगे अब हम ई नॉट एक्स साथ में ए, तो ई नॉट एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ए कितना होता है, ए एरिया होगा ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ये यहाँ हो जाएगा E नॉट ए क्यूब हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या है, अरे डायरेक्शन कैसे है, मतलब ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है क्या, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है ना। चलिए अब हम दूसरे सरफेस की अब बात करेंगे, तो देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर फाई ऑफ वन था, ये फाई ऑफ टू आएगा, तो कितना आ जाएगा ई इंटू ए इंटू, यहाँ पर देखो अब ये इसी तरफ जा रहा है, तो कॉस जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ई नॉट x इंटू ए, ए यानी यहाँ पर वही एरिया हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, आपका तो पता है। तो यहाँ पर देखो e नॉट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी है और ये भी x है, तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर e नॉट 2x इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ए क्यूब। ठीक है, e नॉट, चलो बाकी जो चारों फील्ड है वो सब जीरो ही हो जाएगी, अपने को पता है क्योंकि परपेंडिकुलर ही है, तो 3, 4, 5, 6 कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये इसका टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा देखो यहाँ पर 2x a क्यूब माइनस x a क्यूब। ठीक है, तो ये कितना जाएगा,
एक्स ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही एक और आपको इमेज दिया जा रहा है। सपोज करो कि यहां पर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। तो इस सिलेंडर में बताओ ये सरफेस है और एक सरफेस है और ये पर इसके कर्व सरफेस है। तो ये वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो। तो इसका क्या हो जाएगा, फाई ऑफ वन बराबर से, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इफेक्टिव भी इसी डायरेक्शन में, ई और ए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, ठीक है। और इसका एरिया कितना निकलेगा आपको तो पता है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फाई ऑफ वन। चलिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया उसका कितना निकलेगा, फाई ऑफ ई बराबर से 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ई इस तरफ जा रहा है और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है। तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो इसको तो छोड़ ही दो, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेकंड है, तो फाइव ऑफ थ्री यदि हम बनाएंगे तो ये देखो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जिस तरह फील्ड जा रही है उसके अपोजिट। तो यहाँ पर कितना जाएगा, ई ए कॉस 180, तो कॉस 180 कितना होता है आपका, माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई और साथ में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाइव टू कितना है, जीरो, और फाइव वन कितना है आपका, ई पाई आर स्क्वायर प्लस में। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। फाइव टोटल बराबर से कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पर एक सेंटर है, एक सर्किल है, यहाँ पर हमने एक स्फीयर ही है, ये क्या आपका स्फीयर। तो स्फीयर में एक सेंटर ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर इसकी सरफेस है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो यहाँ पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमेशा प्लस क्यू से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, फील्ड लाइनें कहाँ आउटवर्ड निकलती बाहर की ओर, तो ये फील्ड लाइनें हो गई, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इतने से देखो, इस प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण सरफेस पर, किस पर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, अब आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इसके पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर अब यदि हम क्या है, इस पूरे फील्ड के कारण कितना फ्लक्स बना है, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सरफेस को छोटे से टुकड़ों में बांट लेते हैं हम। तो एक छोटा सा टुकड़ा ये ले लेते हैं और इस टुकड़े का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की ओर मान लेते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो तो कैपिटल ई ही होगा, लेकिन जो एरिया तो बहुत छोटा है, यानी ये हो जाएगा डी ए, ठीक है। तो इसका फ्लक्स भी छोटा ही निकलेगा। तो डी फाई ऑफ ई बराबर से इसका क्या होगा, इसका ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, और एंगल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या आएगा, थीटा जीरो ही आएगा, ठीक है। तो डी फाई ऑफ ई बराबर से कितना जाएगा, डी फाई ऑफ ई बराबर से ई इंटू डी ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरे एरिया का निकालना है, तो क्या करेंगे, एक छोटा एरिया यहाँ लेंगे, एक छोटा एरिया यहाँ लेंगे, एक छोटा एरिया यहाँ लेंगे, यहाँ लेते जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करेंगे, उन सबको आपस में जोड़ देंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फाई ऑफ ई बराबर से, फाई ऑफ ई बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, डी फाई ऑफ ई, या डी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ई इंटू डी ए लिख सकते हैं, फाई ऑफ ई बराबर से यदि हमें टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल सही फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। अच्छा, अभी हम एक फार्मूला आपको बताए थे, रटवाए थे कि ई बराबर से, यानी फाई ऑफ ई बराबर से ई एस कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा आप रट लो, ठीक है। लेकिन ये या फिर हमने बोले थे ई इंटू एस रट लो, ये तभी रट सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया दोनों कॉन्स्टेंट हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट हो और एस भी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा, फाई ऑफ ई बराबर से,
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यदि मान लो कांस्टेंट है तो आप क्या करो, मान लो सपोज करो यहाँ पर बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, देखना ये पूरे सर्किस पर इसका डी ए, इसका डी ए, एरिया 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 पूरा जोड़ेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पर सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा, यानी स्फेयर इस पर एरिया आ जाएगा। तो स्फीयर एरिया बराबर से कितना होगा, वेक्टर ई बराबर से 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ई की वैल्यू आई कितनी अपने पास, 4 पाई एप्साइलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। छोटे आर बड़े आर में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप खुद भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, क्यू अपॉन क्या आ गया, एप्साइलॉन नॉट, ये आपका किसके बराबर आ गया, फाई ऑफ ई के बराबर। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से देखो, मतलब फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है 3D सरफेस, कौन सा सरफेस, 3D सरफेस, फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस द पासिंग फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्साइलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज। मतलब किसी भी यदि क्लोज सरफेस के अंदर यदि क्यू चार्ज है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब यहाँ पर एक ये क्लोज चार्ज है, क्लोज सरफेस है, और इसका जो चार्ज कितना है, क्यू है, तो इस पर फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यानी सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ये फ्रेंड्स हमने अभी छोटी सी आपको जानकारी दिए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में भी गॉस लॉ को और डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन और आपको मिलते रहे। और यदि आप अपने दोस्तों का भी थोड़ा सा लाभ चाहते हैं तो उनको ये जो लिंक है, वीडियो की लिंक, वो आपको उसको शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।